फ्रेंडली मींस क्योंकि ये ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, तो शाम का बज रहा है अभी 6, तो बस मैं अभी दूल्हे के आई हूँ क्योंकि आज सुबह से कोई ब्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो मैं अभी सोच रही थी कि मैं बना लूँ, या तो बनाऊंगी मैं नमकीन जवे या फिर बनाऊंगी मैं, क्या बनाना था, ओट्स। हाँ, इनमें से कुछ एक बनाऊंगी, ओट्स या नमकीन जवे। नमकीन जवे बनाती हूँ। हाँ, तो वो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करना था। तो मैं कि चलो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी बस दूध गर्म करके किचन में खड़ी हो गई। इतने पसीने, इतनी गर्मी हो रही है आज ना, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है। तो और आज पता क्या हो गया, आज हम लोग गए थे पार्क, तो मैं पार्क गई, मैंने पार्क तो एक दिन और गए थे, पर आज हम कुछ जल्दी चले गए। हम 5 बजे पार्क गए थे और 5 बजे पार्क जाके और फिर मुझे आके इतनी नींद आई, मतलब आने के बाद में मेरे को आँखें बंद होती होती चली गई। आदत थी, हैबिट ही नहीं है ना इतनी जल्दी उठने की। और फिर उसके बाद खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो गया। बस जल्दी जल्दी बना के इन सबको भेज के, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको लंच बना के सबको भेज के, और मैं फिर सो गई हूँ। और फिर उठी हूँ मैं 10 बजे, तभी इसलिए आज मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ। फिर मैं उठ के फटाफट उठी हूँ, काम किया है सब कुछ जल्दी जल्दी, बस ऐसे ही हो गया सब कुछ। तो इसीलिए मैंने आज कोई सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, इसी वजह से अभी किया था। तो चलिए अभी मैं किचन में जा रही हूँ, बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक। तो अभी मैंगो शेक बना लेते हैं। और बच्चे कल आइसक्रीम लाए थे ना, तो बच्चों ने कहा कि आइसक्रीम रख देना मम्मी उठा के, और मैंगो शेक में आइसक्रीम डाल के देना। तो इसी वजह से मैंने आइसक्रीम भी रखी हुई इनकी, तो वो मैंगो शेक में मैं डालूंगी। मैंगो शेक शायद मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है, मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ में। तो चलिए, वैसे तो इजीली है मैंगो, कुछ नहीं, कट करो और अपना मिक्सी में करो या फिर ब्लेंडर से करो और दूध डालो, बस चीनी डालो, बन गया मैंगो शेक। बहुत इजी है, कोई भी बना लेता है। तो बस चलिए, तो फिर मैं किचन में चलती हूँ और मैंगो शेक बनाने की तैयारी करती हूँ, छीलती हूँ मैंगो को। ठीक है, और यहाँ आगे किचन में यहाँ मैं फैन चला देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है आज, बहुत गर्मी हो रही है। और अपने एक सेकेंड आई, वो ट्राइपॉड गिर जाता अभी। हाँ अच्छा, बंद करना है, ओह सॉरी मैं भूल गई, मैंने फैन चला के आ गई, मुझे ध्यान नहीं रहा कि पाकी को मैंने दीपक जलाने के लिए बैठा रखा है। तो चलिए मैं ट्राइपॉड पे इसको लगा देती हूँ, ठीक है, और फिर आप लोगों से मैं बातें करती हूँ। हाँ क्या कर दी, क्या नहीं तो आप सही है ना। चलिए तो इसको मैं यहाँ सेट करती हूँ ताकि किचन का आए और हम बनाते हैं मैंगो शेक। ये आम है तो मैं इन आमों को छील लेती हूँ धुल के और फिर मैं करती हूँ। मैंने पानी की बोतल रख के रखी क्योंकि खाली पड़ी हुई थी। और मैंने सुबह के लिए मैंने अरवी बनानी है कल सुबह, तो मैंने अरवी बॉईल करके ये मैंने रख लिया है क्योंकि अगर सुबह को मैं इजीली हो जाता है अरवी, मतलब कुछ भी सब्जी बनाना हो तो प्रिपेयर करके रख दो ताकि फटाफट से बन जाती है, फिर लेट नहीं होता है। तो मैंने बॉयल करके मैं इन्हें फ्रिज में रख दूंगी, तो सुबह को मैं इनको फ्राई कर दूंगी। मेरे को ना सूखी अरवी बनानी है, सिर्फ सूखी बनानी है क्योंकि बच्चों को लंच में टिफिन देती हूँ ना, तो सूखी सब्जी देती हूँ। तो चलिए मैं आम को कट कर लेती हूँ। ये देखो, ये मैंने मैंगो सारे कट करके इसमें डाल लिए जग में, और मैं इसमें ना चीनी ऐड करूंगी, लेकिन ना अभी बना नहीं सकती क्योंकि लाइट चली गई है।
और जब लाइट आएगी तभी बना पाऊंगी। मम्मा यहाँ पे कर लो। हाँ? इसमें चलेगा ना, चीनी कम है, चीनी कम है, चीनी निकालनी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल मैं डाल देती हूँ, चीनी निकालती हूँ, उस डब्बे में खाली हो गया है, अभी जाके निकाल ले और इससे लाइट भी आ जाएगी। डब्बा पलट दो जो उसमें चीनी भर के लाओगे तो नहीं तो आ गई ना, लाइट आ गई। अब चीनी कौन जाए निकाल ले। चलो मैं चलती हूँ। मैं आपसे नहीं निकलेगा। निकलेगी निकलेगी मम्मा प्लीज। चीनी निकाली है तो मैं चीनी ऐड कर दूंगी इसमें जितनी मुझे चाहिए। और इसको मैं ब्लेंडर से पहले मैश करूंगी। चलिए ये देखो हमने इसको मेल्ट कर लिया। इसको ऐसे ऑफिस में मैं इसे दूध ऐड करूंगी। दूध लेके आती हूँ। ये मैंने इसे दूध ऐड कर दिया है। जितना आपको गाढ़ा रखना है या पतला रखना है उसके अकॉर्डिंग दूध डाल सकते हैं। तो चलिए मेरा मैंगो शेक रेडी है। और मैं बर्फ ऐड कर दूंगी, पूरी बर्फ डालनी है ताकि ठंडा भी हो जाए। ये देखो हमारा मैंगो शेक रेडी है। अभी मैं बर्फ डाल के रख दी इसमें, ठंडा हो जाएगा। तो चलिए मैं सर्व करती हूँ। कोई नहीं उसमें तो नहीं होगा। इसमें वाली बात सी लगी नहीं है इसकी। तो ये लीजिए हमारी मैंगो विद आइसक्रीम, मैंगो शेक विद आइसक्रीम शेक तैयार हो गया। मैंगो शेक तो आप भी पी लीजिए। आइसक्रीम चाहिए हैं? मैंगो शेक पीना। मैंगो शेक नहीं। देखो ये मैं छोटू सी बेबी आई है, इसका नाम है अंची है ना। अब देखो ट्राई करके देखो, गिरेगी गिरेगी गिरेगी। ये पी के देखो, पहले ये पियो मैंगो शेक अच्छा वाला है। ये लो पियो अंशी। आइसक्रीम खाना है? ठीक है आइसक्रीम देती हूँ आपको, अभी दे रही हूँ। ब्लू वाली देना। ब्लू वाली वाली छोटी वाली इसकी वो दियो, स्पून देना उसको। दे लो छोटी छोटी स्पून ये डाल दो, गिराना नहीं।
आराम से दे पाकी जाओ इसे खिला दो जाओ। देखो अंशी देखो, अंशी देखो इधर देखो मुझे, कैसी लगी आज की, खा के बताओ कैसी है। लो डैडी को दे दे। कैसी लगी? टेस्टी। चलो पी लो जाके जाओ, खा लो, सॉरी पी लो करी। और आप अपने अपने मैंगो शेक पियो। मैंगो शेक नहीं पीना अंशी? मैंगो शेक नहीं पीना? मैंगो शेक पी के देखो। चलिए तो फिर हम भी अपना शेक आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। अच्छी लगी, अच्छी मुड़ा देखो, मुड़ा देखो, कैसे बोलते हैं? कोई नहीं ऐसे होता बेटा। कैसी लगी बताओ मुझे अंशी, अब बताओ खाके। टेस्टी। तीन, एक दो ब्लू ब्लू और एक क्रीम। टेस्टी है। मुझे भी स्कूल लेके आना, आपको भी चाहिए स्कूल? और बताओ उनसे अपने बारे में कुछ। इतनी बड़ी लेके आना, इतनी बड़ी। आंटी के लिए, आंटी के लिए, आंटी के लिए हम ना चॉकलेट खाएं। आंटी के लिए चॉकलेट, अंकल के लिए आइसक्रीम, और दीदी के लिए। दीदी के लिए व्हाइट आइसक्रीम। अंशी पी के देखो, मैंगो शेक अच्छा है। एक बार पी के तो देखो, देखो पी के अच्छा ये। सिर्फ कपड़े के लिए सारे तो बंद बताएगी। अच्छा दीदी के लिए व्हाइट आइसक्रीम, और भैया के लिए? भैया के लिए ब्लू वाली। ब्लू वाली। और अपने लिए क्या लाओगे? एक ना चॉकलेट खाऊंगा। चॉकलेट खाओगे? आज लेके आओगे कल लेके आओगे? आप बातें बहुत करते हो आप। उसमें कौन दिख रहा है? बैठी होगी फूल मेरी। अंशी अच्छा बच्चा हो गया, बड़ा बिग बेबी हो गया, खुद खा लेता है ना। पीती आपकी फैमिली देती? अच्छी बात है, फूल लगनी चाहिए। क्या खाते हो आप स्कूल में? पराठे ले जाते हो या फ्रूट्स ले जाते हो? नहीं, पहले हमको लेने दाना है, फिर हमको गमले लेने दाना है। गमले लेने जाना है? हाँ। गमले में क्या लगाओगे? आम? आम ले लाएंगे, कपड़े लाएंगे। क्या सब्जी? सब्जी कपड़े, कपड़े कपड़े लाओगे? गमले में कपड़े बोओगे? हाँ। अब तो अंशी का बर्थडे आ रहा है ना अंशी? हाँ। क्या करोगे बर्थडे पे? मैं गिफ्ट लेऊंगा और मैं केक खाऊंगा। किससे लोगे गिफ्ट? किस हम भैया से लेंगे? कौन से भैया से?
क्या लोग क्या लोगे गिफ्ट में? हम लाएंगे बॉल, वो लाएंगे गिफ्ट में, और हम लाएंगे गिफ्ट में केक खाएंगे, केक खाएंगे। ओके, आप वो भी लाओगे, कैप कैप भी लाओगे बर्थडे पे, कैप ऐसे वाली कैप, कैंडल्स भी ऐसे ब्लो करोगे। अंशी इन सबको हाय बोल दो, अंशी इन सबको हाय बोल दो, हाय ऐसे कर दो, हाय देखो सब लोग आपको देख रहे हैं, बोलो हाय फ्रेंड्स, आपके स्कूल के बच्चे बैठे, आपके स्कूल की मैम भी देख रही हैं, बोलो हाय फ्रेंड्स, ऐसे बोलो हाय, ऐसे हैंड्स करके हाय हेलो बोलिए। इसका नाम है अंशी, देखो वो देख रही है, सारी बातें कर रही है। नाम क्या है? हमका नाम है ईसा। अरे मैं तो भूल गई थी, ईशा स्कूल का नाम है इसका। बहुत क्यूट बेबी ईशा कशाना है। अंशी तो घर में बोलते हैं, ऐसे नाम नहीं बोलेंगे हम, ऐसे नाम नहीं बोलेंगे हम, गुड गुड, ऐसा पूरा ही करेंगे, पूरा नाम करोगे? हाँ, पूरे नाम से मंदिर जाने, पहले बात से मंदिर जाने, मंदिर से प्रसाद लेना। अच्छा, पहले मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, मंदिर से प्रसाद लेंगे। हाँ, जैसा हम लोग बताते ना, या मंदिर से हम ना प्रसाद लेते, टीका लगाते। अच्छा, हम ऐसे करते कैप लगाते, सब लगाते, हम तो नहीं लगाते, ऐसे काजे भैया भी लगाते हैं। आपको किसने बताया कि मंदिर जाएंगे उस दिन पूजा करेंगे बड़े वाले दिन? हाँ, बच्चे भी आएंगे। नहीं, केक नहीं आएंगे, केक गंदे होते हैं, काले काले होते हैं, केक काले नहीं होते, काले होते हैं केक, नहीं होते वो काले होते हैं, केक काले नहीं होते, वो हल्के होते केक। आपको नहीं पता काले होते हैं केक? काले ब्लैक, ब्लैक नहीं होते, वो अच्छे होते, ब्लैक नहीं होते, सब बहुत ज्यादा। आपको पता तो है, की बेटी नीचे रहती है तो ये आई है, बहुत बोलती है, तो सोचो इसकी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ मैं, इसकी पहले भी वीडियो बनाई हुई है मैंने। आप केक खाते हो? अच्छी, वेरी बैड। आप बैलून्स भी फुलाते हो बर्थडे पे? फोड़ देते हो बैलून्स? और फुलाता कौन है बैलून्स? खून बढ़ जाते हैं, खून बढ़ जाते हैं, दर्द भी होता है, दर्द भी होता है, तो क्यों फोड़ते हो बैलून? उसकी आइसक्रीम बदलवा दी सारी, आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम खा लो, सारी मेल्ट हो गई है, आप खा लो आइसक्रीम को। हाँ मैं खाती हूँ, बस ऐसी बातें चलती रहेंगी, इसकी बातें कभी खत्म नहीं होने की, जितनी बात करो ये बहुत बातें करती है, तो हम लोग भी एंजॉय कर लेते हैं इसके साथ में जब ये आती है, पाकी के साथ खेलने के लिए आई है आज ये, तो बस ऐसे मैं इसकी रिकॉर्डिंग करती रहूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग भी कहेंगे सारी बेबी की आपने वीडियो बना दी है और कुछ दिखाया भी नहीं है, तो चलिए इसको मैं आपसे फिर मिलूंगी, अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में, अभी मैं बनाती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आपसे, इतने इसको खाने दो, ऐसे ही उसकी सारी आइसक्रीम मेल्ट हो गई है। चलिए, तो फिर मैंने खाना नहीं बनाया था घर पे क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, हमने मैंगो शेक पीता, हैवी हो गया था, फिर उसके बाद बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं खाना बनाऊं, कभी होता है ना कि मन नहीं करता कि खाना बनाने का, कि कोई हमें बना बनाया दे दे, तो ऐसा हुआ, तो फिर हमारे घर के बाहर ही थोड़ा सा 5 मिनट का रास्ता है, तो हम लोग चले गए, जैसे तैसे चले गए, तैयार भी नहीं हुई थी मैं तो, क्योंकि मैं बहुत कम ही वो करती हूँ, आलस आता है मुझे तैयार होने में कि कहीं जाना तो हो जाती हूँ फटाफट से, तो बस इडली डोसा हमने ये सब लिया था, इन्होंने इडली खाई थी, हमने डोसा खाया था, तो ये डोसा मेरी प्लेट आ गई थी जब तक उनकी इडली चल रही थी, तो
तो बस हम लोग खा पी के अपना आपने हमने इंजॉय किया था और फिर हम लोग आ गए थे। फिर आने के बाद में थोड़ा सा हम नीचे घूमे थे, घूमने के बाद में फिर हम आए थे। तो बहुत टाइम बाद होता है ना, चेंज होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग का एक रूटीन होता है तीनों टाइम खाना बनाना बनाना, तो तभी हमें भी लगता है कि हमें भी कोई बना के खिलाए। तो बस इसी वजह से, तो बस अब ये हम इंजॉय कर रहे हैं। देखो मेरी हालत, मैं कुछ मैं ना मैं कुछ ला के गई, जैसे बैठी थी ऐसी चली गई, ना लिपस्टिक ना कुछ, क्योंकि घर से थोड़ा सा पास में ही था तो ज़्यादा दूर जाना नहीं था। तो मैं कहा कि तो क्या फिर चेंज करना है, तो इसलिए गए नहीं थे। तो ये व्लॉग मेरा बहुत बड़ा हो गया है और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। और आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जिन्होंने न्यू हो सब्सक्राइब नहीं किया हो, रेड बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि न्यू न्यू जो वीडियो आएंगी आपको ज़रूर मिलेंगी, नोटिफिकेशन आता रहेगा। और कैसी आपको लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन कौन कभी कभी होता है कि मन नहीं करता कुछ बनाने का, तो ज़रूर वो कमेंट करके बताना। ओके, बाय, गुड नाइट।